मोदी को अर्जुन के रूप में और अमित शाह को सारथी के रूप में दिखाया गया है और यहाँ पर होली की गा रहे हैं। यहाँ पर महागठबंधन है कहाँ? महागठबंधन तो अब टूटने वाला है, सात दल है सर। अभी हम लोग सभी अभी अपने जोश में हैं, उनके स्वागत में लगे हुए हैं और हम लोग उनके स्वागत में लगे रहेंगे। भाई सात दल अलग अलग खंडों में बटा है, उनके नीत अलग हैं, वो केवल दिखाने के लिए साथ हैं और हम पूरे कार्यकर्ता का जोश, पूरा कार्यकर्ता का टीम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम हर विपक्षियों के हौसला को पस्त करेंगे। अमित शाह का बिहार आगमन है और यहाँ पर देखिए जो स्थिति है, हर जगह होली का छोटा छोटा आयोजन किया गया है और यहाँ पर देखिए खास तौर पे नरेंद्र मोदी को अर्जुन के रूप में और अमित शाह को सारथी के रूप में दिखाया गया है और यहाँ पर होली की गा रहे हैं यहाँ पर। और उधर देखिए जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर होली गा रहे हैं और अमित शाह का स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं वो ये भी कयास लगा जा रहा है कि 24 की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर देखिए जो स्थिति है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयार है। हम कोशिश करेंगे उस स्टेज पर चढ़ने का और स्टेज पर चढ़ कर तो यहाँ पर जो स्थिति है, ये एक रथ तैयार किया गया है और रथ तैयार करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है और ऊपर चढ़ करके कोशिश करेंगे बात करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से कि मंच पर तैयार अमित शाह जी पटना आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग बात करने के मूड में नहीं है और यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरे तबला ढोल और सारे चीजों को व्यवस्थित किया गया है ताकि अमित शाह का स्वागत अच्छे ढंग से किया जा सके। और यहाँ पर जो पटना साहेब जी भी जाएंगे, क्या नाम हुआ आपका? कृषि। कहाँ से आए हैं? पटना साहेब से। पटना साहेब से अमित शाह आ रहे हैं पटना, क्या कहेंगे? ये अच्छा लग रहा है कि यार हम लोग पंच प्यारे बने, अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए आए हैं। उनके स्वागत के लिए, तो सिख धर्म के जो लोग हैं यहाँ पर उनके स्वागत के बैठे हैं, इधर हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकित नाम है। अंकित नाम है। क्या करते हैं आप? डमरू वादन करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? अमित शाह पटना आ रहे हैं, क्या सीरियल लिया जा रहा है कि 24 की तैयारी के लिए आ रहे हैं पटना? ठीक है, कोई नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ सर है, सर दो मिनट टाइम दीजिएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? विक्की जोशी, प्रदेश पटना महानगर कला संस्कृति प्रकोष्ठ के सर संयोजक। अच्छा, अमित शाह जी पटना आ रहे हैं, कयास ये लगाया जा रहा है कि 2024 की तैयारी के लिए नींव रखने के लिए आ रहे हैं? जी जरूर, क्यों नहीं, सभी कार्यकर्ताओं में जुनून और जोश भरने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच आज अमित शाह जी का पटना में आगमन है, उनका बहुत बहुत हम सभी पटना साहिब के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। क्या कहेंगे? उधर महागठबंधन की रैली चल रही है, महागठबंधन की भी उधर रैली चल रही है। महागठबंधन है कहाँ? महागठबंधन तो अब टूटने वाला है, सात दल है सर। अभी हम लोग सभी अभी अपने जोश में हैं, उनके स्वागत में लगे हुए हैं और हम लोग उनके स्वागत में लगे रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये मंच संचालन कर रहे हैं। और सर यहाँ पर बात नहीं करेंगे सर, कह रहे हैं कि होली का आयोजन किया जा रहा है गृह मंत्री के स्वागत के लिए, उधर महागठबंधन की भी रैली चल रही है, कैसे होगा सर? महागठबंधन के पास सात दल है भाई, सात दल अलग अलग खंडों में बटा है, उनके नीत अलग हैं, वो केवल दिखाने के लिए साथ हैं और हम पूरे कार्यकर्ता का जोश, पूरा कार्यकर्ता का टीम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम हर विपक्षियों के हौसला को पस्त करेंगे, हम हर विपक्षियों को कराना जवाब। ये कहा जा रहा है सर कि अमित शाह पटना इसलिए आ रहे हैं ताकि 2024 की नींव रखी जा सके, तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। ये सब की आवश्यकता ही नहीं है, स्वतः स्फूर्त है, जनता प्रधानमंत्री जी को चाहती है, प्रधानमंत्री के नीत को चाहती है, उनके किए गए कामों को पसंद करती है,
इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। आप कोई भी गठबंधन बना लो, आपको चारों खाने चित्त होना पड़ेगा। चलिए, आप कोई भी गठबंधन बना लीजिए, आपको चारों खाने चित्त होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं अमित शाह का पटना आगमन हो रहा है और यहाँ पर देखिए होली की तैयारी चल रही है। होली यहाँ पर गा रहे हैं चचा लोग, इन लोग से बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। चचा मंत्री जी आ रहे, गृह मंत्री जी पटना आ रहे, कितना खुश है? बहुत खुश है, एकदम बहुत खुश है। अहो भाग है कि पटना पाटलिपुत्र के धरती पर पधार रहे हैं गृह मंत्री साहब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे तरफ से प्रणाम है कि आए और हम सबों के बीच में अपना मार्गदर्शन। यहाँ पर आप लोग होली कहाँ गा रहे हैं? होली गा रहे हैं हम लोग, खुशी में होली गा रहे हैं। फागुन का महीना है, उनके आगमन में होली गा रहे हैं हम लोग, खुशी में गा रहे हैं होली। तब गा के सुना दीजिए। चलिए पारंपरिक होली, पारंपरिक होली जो हम सबों का पूर्वज लोग गाते हैं, पारंपरिक होली सुनाएंगे। बाबू हो तो बाबा हरिहर ला, सोनपुर में होली खेले। पूर में हो